नंबर सेवन देखिए, अगर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस जेड बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस वाई बाई थ्री प्लस जेड बाई फोर का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको और इसको और इसको दोनों को, तीनों को तोड़ते हैं एक साथ, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लेते हैं तो लॉन्ग होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस का टू वाई जेड प्लस का टू जेड एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए एक्स का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस जेड बाई थ्री का स्क्वायर, फिर आपका प्लस टू इंटू में एक्स इंटू में वाई बाई टू प्लस टू इंटू में वाई बाई टू इंटू में जेड बाई थ्री और प्लस का टू इंटू में जेड बाई थ्री इंटू में एक्स, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई बाई थ्री का स्क्वायर प्लस जेड बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस सॉरी प्लस का, प्लस में ही ना जी सर, तो प्लस में टू इंटू में एक्स बाई टू इंटू में वाई बाई थ्री और प्लस का टू इंटू में वाई बाई थ्री इंटू में जेड बाई फोर प्लस का टू इंटू में जेड बाई फोर इंटू में एक्स बाई टू। चलिए अब इसे आगे इसे सॉल्व करते हैं, सबका हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस का टू वाई जेड और प्लस का टू जेड एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर प्लस का जेड स्क्वायर बाई नाइन, अच्छा प्लस का एक्स वाई, यहाँ टू से टू कट जाएगा, यहाँ पर टू से टू कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का वाई जेड बाई थ्री, ठीक है, और प्लस का टू बाई थ्री जेड एक्स। यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ है तो अंदर साइन चेंज करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस का वाई स्क्वायर बाई नाइन माइनस का जेड स्क्वायर बाई सिक्सटीन, फिर माइनस का यहाँ पे देखिए टू से टू कर देंगे, यहाँ पे एक्स वाई बाई में थ्री, ठीक है, एक्स वाई बाई में थ्री हो जाएगा, अच्छा। और फिर यहाँ पर माइनस का ये टू टू आ जाएगा वाई जेड बाई में सिक्स, और फिर प्लस का यहाँ टू से टू हो जाएगा जेड एक्स बाई में फोर। तो यहाँ माइनस होगा ना क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं, बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। चलिए तो ये भी माइनस में। अब इसके बाद सेपरेट करते हैं टर्म्स को, एक्स स्क्वायर वाले को अलग वाई स्क्वायर वाले को सबको अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। उसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई फोर और यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर बाई नाइन। फिर जेड स्क्वायर वाला जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बाई नाइन और माइनस का जेड स्क्वायर बाई में सिक्सटीन, ठीक है। फिर उसके बाद टू एक्स वाई प्लस का एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई बाई में थ्री, फिर प्लस का जेड वाई जेड वाला टू वाई जेड यहाँ पर और फिर प्लस का वाई जेड बाई थ्री और प्लस का माइनस का वाई जेड बाई सिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जेड एक्स वाला हो गया तो प्लस का टू जेड एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का टू बाई थ्री जेड एक्स और प्लस का जेड एक्स बाई में फोर। यहाँ पर देखिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं फोर, तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 36, तो 36 वाई स्क्वायर प्लस का नाइन वाई स्क्वायर और इसमें आ जाएगा आपका माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 144 जेड स्क्वायर प्लस का 16 जेड स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस का 9 जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं और यहाँ पर फिर अब इसको देखते हैं, एलसीएम होगा 36 एक्स वाई प्लस का 3 एक्स वाई और माइनस का एक्स वाई। वाई जेड वाले को अब देखते हैं तो यहाँ पे 6 एलसीएम होगा
12 YZ प्लस का 2 YZ और माइनस का YZ। यहाँ पे देखिए इसको देते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 12, 24 ZX और प्लस का 4 8 ZX और प्लस का 3 ZX। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस है ना जी, ये माइनस में है क्या? ZX बाई 4 वाला टर्म माइनस में है, माइनस में था, मैंने ध्यान नहीं दिया। माइनस में पहले ही बताया था आपको कि माइनस में, ठीक है, माइनस में। चलिए तो यहाँ पर माइनस ही ना होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 बाई 4 X² प्लस का, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो सब 5 5 41 आ जाएगा, 41 बाई 36 Y² और फिर प्लस में यहाँ पर देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 7 और इसमें ऐड कर देंगे तो 151 151 बाई 144 Z² फिर यहाँ प्लस का यहाँ पर आ जाएगा कितना, 8 बाई 3 XY। फिर प्लस का यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 13 बाई 6 YZ, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लस का यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट 5 यानी आ जाएगा 29 बाई 12 ZX हो जाएगा, यही ना होगा जी। नेक्स्ट देखते हैं 7 का।